हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। ये देखिए, आज हम करेले बना रहे हैं। इनको पहले हम दोनों साइड से हमने कट कर लिया है। इनको ऐसे चाकू को सीधा करके ना, देखिए खड़ा रख के ऐसे, और इसको हल्के हाथ से ऐसे रुसेंगे। हल्के हाथ से इसका ये ग्रीन जो उभरा हुआ पार्ट है उसको निकाल लेंगे, बीच में से कट लगाएंगे। अगर ये कच्चा है तो एज इट इज़ रहने देंगे, अगर करेला अंदर से पका हुआ है तो उसके बीज हम निकाल लेंगे। देखिए ऐसे हमने सारे करेले को कट कर लिया है। ये देखिए ऐसे ये कट कर रहे हैं, अब इसमें कट लगाएंगे, ध्यान से लगाना है। और ये देखिए इसमें बीज हैं तो हमें ये निकालने होंगे, क्योंकि ये खाने में अच्छे नहीं लगते हैं। ये बीज हम निकाल लेंगे और ये फेंकने हैं, इनको हम यूज़ नहीं करने वाले हैं। बट ये जो छिलका है इसको हम यूज़ करेंगे। अब ये देखिए 10 से 11 करेले हैं ये टोटल मीडियम साइज़ के। इस पर हम नमक बुरक रहे हैं और एक एक को हम लेकर हाथ में ऐसे रगड़ेंगे नमक से, ताकि इसका जो कड़वापन है ना वो दूर हो जाए। एक एक करेले पर नमक लगाकर हम इसको रगड़ेंगे। इसकी कोई नमक की क्वांटिटी नहीं है। अब जो छिलका है ना उस पर भी हम ये नमक डाल लेंगे, इसको भी थोड़ी देर के लिए रख देंगे। ये कच्चा आम हमने ग्रेट कर लेना है इस तरीके से, पूरा आम देख रहे हैं ना, इस तरीके से। अब एक घंटे के बाद हमने इनको ऐसे धो लेना है टैप के नीचे और निचोड़ लेना है। अच्छे से धो लें, नमक निकल जाए, कड़वापन निकल जाए, और निचोड़ कर एक तरफ रख लें। सारे इसी तरह से हम कर लेंगे। अब हमने 3 प्याज को ग्रेट कर लिया है और उनको निचोड़ लिया है, उनका पानी सुखा लिया है। ऐसे ही अब हम इसमें कच्चा आम भी ग्रेटेड डाल देंगे एक बाउल में, और हरी मिर्च कटी हुई एक, और हरा धनिया कटा हुआ वो भी हम इसमें डाल देंगे। ये आप अपनी इच्छा के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये मसाले हैं, धनिया पाउडर है, लाल मिर्ची पाउडर है। धनिया पाउडर 1.5 टेबल स्पून है, लाल मिर्ची हमने 1 चम्मच ली है, हल्दी 1/2 चम्मच ली है, और होममेड गरम मसाला हमने 1/2 चम्मच लिया है, नमक स्वाद के अनुसार। इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। चक्कर देख लेंगे, अगर नमक कम ज़्यादा है तो कोई भी चीज़ ज़्यादा है कम है आप उसको बैलेंस कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। नमक हमें थोड़ा कम लगा, हमने और डाल दिया। और अब हम जो इसमें छिलका जो था उसको भी इसी तरह से निचोड़ लेंगे, देख रहे हैं ना आप, उसका पूरा पानी निकाल लेंगे और इस मसाले में मिक्स कर देंगे। तो आप देखिए कि दोनों चीज़ें यूज़ हो रही हैं, यानी हम जो निकाला छिलका वो भी हमने इसको फिलिंग के लिए, स्टफिंग के लिए यूज़ कर लिया है। इसको मिक्स कर लेंगे और ये हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी है। अब हम एक एक करेला निकालेंगे, उसमें ये फिलिंग भर देंगे। आप देख रहे हैं ना, इसको स्टफ अच्छे से करना है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। देखिए ये अच्छे से हमने स्टफ कर लिया, इसी तरह से हम सारे भर लेंगे। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें। और ये मसाला सफिशिएंट है सारे करेले के लिए। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, भर गए हैं सारे। अब हम इनको लेकर धागे से बांध लेंगे, कोई भी एक जो सिंपल थ्रेड होता है उससे आप बांध लें, ताकि मसाला जो है वो निकले ना। ये 2 टेबलस्पून हमने मस्टर्ड ऑयल गरम कर लिया, अच्छे तेज गरम करके, ठंडा करके, फिर हम ये करेला डाल रहे हैं इसमें। सारे करेले इसी तरह से रख देंगे, गैस को स्लो टू मीडियम रखेंगे, ढक देंगे, ढककर पकाएंगे। 5 से 7 मिनट के बाद हम देखेंगे और इनको पलट लेंगे, क्योंकि हमने स्लो टू मीडियम फ्लेम पर रखा है। तो देखिए ज़्यादा जल भी नहीं रहे हैं, और ये देखिए दूसरी तरफ से ब्राउन होना शुरू हो गया है। तो हम इनको इस तरह से एक एक करके पलट लेंगे, देखिए कितने अच्छे बने हैं। और ढककर रखने से ना स्टीम में पक जाते हैं, तो जल्दी सॉफ्ट भी हो जाता है करेला। इस तरह से बनाएंगे तो करेले बहुत टेस्टी लगेंगे। आशा करती हूँ आप मेरी वीडियो पसंद करेंगे। अब फिर हमने इनको ढककर पकाया, और आप देखिए अब कलर देखिए कितना बढ़िया ये हो गया है तैयार। दोनों तरफ से, चारों तरफ से अच्छे से सिक गए हैं, बिल्कुल ऑयल नहीं है, कहीं पानी नहीं है,
ऐसे आपने रेडी करेले नहीं देखे होंगे, ये देखिए, और बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, बिल्कुल गल चुके हैं, चारों तरफ से आप देख सकते हैं। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए, और ये करेले टेस्टी से बनकर हमारे तैयार हैं। 1 मिनट के लिए और हमने ढककर रख दिया था, और ये देखिए, और आपको मैं उठाकर दिखाती हूँ करेला, ये देखिए बिल्कुल स्टफिंग एकदम फिल है, और तोड़ के दिखाऊँ कितना सॉफ्ट है, ये देखिए बिल्कुल गला हुआ है, जैसे हाथ से मैश हो जाता है। तो जब आप रोटी से तोड़ेंगे ना तो वो कभी कभी चीड़े हो जाते हैं, वो नहीं है। और इसका धागा हम इस तरीके से निकाल लेंगे, देखिए धागे सबके हम इस तरीके से निकाल लेंगे। निकालने के बाद भी मसाला उसी के अंदर बंद है, देख रहे हैं ना कितने कम ऑयल में बने हैं। अब हम इनकी करते हैं प्लेटिंग, ये दिखाऊं मैं आपको करेला पास से, देखिए, और मीडियम साइज के हैं। अब हम करते हैं प्लेटिंग, इसमें रख रहे हैं, देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी। ये देखिए, देख रहे हैं ना कितने आसानी से टूट रहा है, और जब आप खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, देखिए।